तो आज का हमारा विषय है कि क्या होता है जब जब कोई धनु राशि के व्यक्ति से प्यार करता है। धनु राशि के व्यक्ति बिल्कुल एकदम पॉलिश्ड मिलेंगे आपको, एकदम शानदार कपड़े पहनने वाले, शानदार लैंग्वेज बोलने वाले एंड लीडर बिल्कुल सामने से, और निर्भीक और ब्रेव बहादुर बिल्कुल आपको मिलेंगे। उनकी ज़िंदगी में भी जो है इस तरह की ज़िंदगी है कि उनको साफ स्पष्ट चीज़ें कहना ज़्यादा पसंद है। हाईली एडवेंचरस और हाईली जो है सक्सेसफुल। इस राशि को वार जोन के लिए बनाया गया है, लड़ाई के लिए बनाया गया है। एकदम एकदम जो है फुर्तीले और चुस्त मिलेंगे आपको, एकदम बिल्कुल लीन एंड थिन, जवानी के टाइम में लीन एंड थिन, दिमाग से तेज, हर प्रकार की कैलकुलेशन कर लेते हैं वो। बहुत ही हम्बल स्टार्ट करते हैं अपनी लाइफ में, यानी कि वो सेल्फ मेड होते हैं, खुद से अपना जीवन खुद बनाते हैं। अगर आपने ऐसे व्यक्ति से प्यार किया तो एक चीज़ मान लीजिए कि उनके अचीवमेंट आपसे ज़्यादा होंगे, लाइफ में बहुत सारी चीज़ें अचीव करते हैं वो और हाईली एम्बिशियस होते हैं। अब उनके जो है उनकी आंखों का जो स्टाइल है या उनकी आंखें जो हैं वो चमक चमक से भरी हुई होती हैं। एक स्ट्राइकिंग फीचर है आंखें उनकी बॉडी के ऊपर, यानी कि जो एक बार धनु राशि की आंखों में देख लेता है वो उनको जिंदगी भर नहीं भूलता, एकदम डूबी डूबी नशीली आंखें। अगर आपने भी इनकी आंखों में देखा तो आप भी इनको नहीं भूल पाएंगे। और इनका चार्म ऐसा है कि इनको सामने से प्यार के ऑफर मिलते हैं। कई बार लोग रोड क्रॉस करके इनका नाम पूछते हैं, कई बार अनजान व्यक्ति जो एक बार इनको देख लेता है वो इनकी तरफ बरबस खींचा चला आता है, चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो, और सामने से इनको प्यार के ऑफर मिलते हैं। और वो भी छोटे मोटे लोगों से नहीं, जाने माने हस्तियों से, कोई सेक्रेट, कोई एयर होस्टेस है, कोई पायलट है, कोई बहुत बड़े कोई हस्ती हैं उनसे। और ये अटेंशन इनको धीमे धीमे ही सही अच्छा लगने लगता है और ये उसको एंजॉय करना शुरू करते हैं। लेकिन इनके मूल में सिर्फ एक ही चीज़ है, अपनी एम्बिशन को आगे बढ़ाना। धनु राशि के व्यक्ति अगर आपसे कमिट करेंगे तो ये कमिटमेंट मैं बोलूँगा कि 75% कमिटमेंट होगा, 25% गुंजाइश है कि वो थोड़े से विदर आउट हो जाएं या थोड़े से ड्रिफ्ट हो जाएं। ठीक है, ड्रिफ्ट का मतलब है बह जाएं थोड़ा सा कहीं पे, ये हो सकता है। अदरवाइज धनु राशि के व्यक्ति एक बहुत ही शानदार पिता, शानदार भाई, शानदार जो है और बाकी रिलेशनशिप वो साबित होते हैं, अपने परिवार के बहुत ही ज़्यादा करीब रहते हैं। लेकिन इनका एम्बिशन है जो इनको कई बार घर से और परिवार से, जन्म स्थान से दूर लेकर के जाएगा। ये कई विदेशों की यात्राएं करेंगे। अगर आप इनके साथ में जीवन ढूंढ रहे हैं या कोई प्यार भरा अगर कोई लम्हा ढूंढ रहे हैं तो ये परफेक्ट व्यक्ति हैं, ये बिल्कुल एक शानदार लोग हैं। लेकिन इनके साथ में इनका कुछ ईगो भी आएगा, इनके साथ में खाली सिर्फ ये नहीं है कि अकेले आ रहे हैं, इनका परिवार भी आएगा, उसको भी संभालना जरूरी है। एकदम इंटेलिजेंट होंगे, लेकिन कई बार जो है थोड़े से इनके काम में लॉसेस भी हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़े थोड़े, और जैसे ही लॉसेस होने शुरू होते हैं खुद को संभाल लेते हैं। प्यार मोहब्बत के मामले में ये हाईली रोमांटिक है, शेरो शायरी कर सकते हैं, कविताएं लिख सकते हैं, खुद ना लिखें तो किसी से बोरो कर सकते हैं। एक गजब की हैंडराइटिंग आपको देखने को मिलेगी, गजब की पर्सनैलिटी, चार्मिंग पर्सनैलिटी के मालिक होते हैं। अगर वो कहीं पर खड़े हैं तो सारी निगाहें उनको ही देखती हैं। जब वो एंटर होते हैं किसी भी रूम में तो एक सेइंग है, गाइज वांट टू बी लाइक देम एंड गर्ल्स वांट टू बी विद देम, यानी कि जो लड़के हैं वो उनके जैसा बनना चाहते हैं और जो लड़कियां हैं वो उनका साथ चाहती हैं। मतलब इस तरह की पर्सनैलिटी है उनकी, धनु राशि के लोगों की, और बहुत ही खास तरह की पकड़ रखते हैं वो हर एक चीज़ पर। आप कॉरपोरेट सेक्टर में अच्छे खासे सक्सेसफुल हैं। जब क्या होता है जब कोई धनु राशि के व्यक्ति से प्यार करता है तो एक अच्छी ज़िंदगी उनका आपका इंतज़ार कर रही है। अपना ख्याल रखें, हमारा चैनल आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच इंडीड एंड गॉड ब्लेस यू।